भारतीय पुरातत्व विभाग जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले पर्यटक स्थल खजुराहो में अब मंदिर का दीदार करने के लिए अब मुख्य द्वार तक पैदल चलकर नहीं जाना पड़ेगा। पर्यटकों के लिए ई रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग जबलपुर मंडल और आरंभ फाउंडेशन के संयोजक से की गई है। वहीं इस सेवा की सुविधा के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपए शुल्क रखा गया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ 15 साल से कम उम्र के बच्चों, दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों को मिलेगा, जिसके लिए वह सुविधा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। जिनका लाभ प्रमाणित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र की फोटो कॉपी ई रिक्शा डेस्क पर जमा करना पड़ेगी। हालांकि ई रिक्शा की सुविधा अभी पश्चिम मंदिर समूह के द्वार तक शुरू की गई है। वहीं हो सकता है कि आने वाले समय में यह सुविधा मंदिर परिसर के अंदर भी शुरू की जा सकती है, ताकि ठंड और गर्मी के मौसम को मंदिर घूमने के लिए कोई परेशानी न हो। वहीं आज से शुरू हुई इस सुविधा से जहां पर्यटक खुश थे, वहीं स्थानीय गाइड भी खुश नजर आ रहे थे। चालू किया है, उनको बहुत ही ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि टाइम भी बचेगा और जो भी चल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए तो इतनी बड़ी सुविधा तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो बहुत लोग सोच के आएंगे ना, को इतना कम चलना पड़ता है। और वर्ल्ड हेरिटेज की जगह है, तो काफी जगह है यहाँ पे ऐसे कि जहाँ बहुत चलना पड़ता है। तो ऐसे अगर सुविधा मिलने लगे तो थोड़ी बड़े उम्र के लोग भी ज्यादा आने का पसंद करेंगे और ज्यादा जगह देखेंगे। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। जिन्होंने किया उनको अभिनंदन।